नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। नए वीडियो के साथ में आए हैं एक बार फिर से हम और एक नए फार्म का विजिट करने के लिए। आइए फार्म ओनर से बात करते हैं और क्या क्या इनके पास नस्ल है, कौन कौन से नस्ल पे ये काम करते हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया आपका? पंकज। पंकज भैया, पंकज भैया क्या नाम है आपके फार्म का? केपी गोट फार्म। केपी गोट फार्म। हाँ जी। पंकज भैया क्या लोकेशन है अपना? अपना लोकेशन है देखो, किशनगढ़ नए बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पे जो नसीराबाद पुड़िया है जी, उसके पास में ही है। अच्छा, किशनगढ़ नए बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और नसीराबाद बाईपास के नसीराबाद जो पुड़िया है उसके बिल्कुल हाँ। पास में अपना फार्म है। हाँ जी। और जयपुर से अगर कोई कस्टमर आना चाहे तो जयपुर से कितना दूरी है अपने फार्म का? जयपुर से 100 किलोमीटर। जयपुर से 100 किलोमीटर है। हाँ। और अजमेर से? अजमेर से 35 किलोमीटर। अच्छा, अजमेर से 35 किलोमीटर है। हाँ। पंकज भैया क्या क्या रखते हो आप अपने फार्म पे और कौन कौन से ब्रीड पे आप काम करते हो, एक बार जरा मुझे बताइए डिटेल से। कौन सी ब्रीड अभी अपने पास, कौन कितना माल अवेलेबल है और कौन सी ब्रीड अभी अवेलेबल अपने पास है? अपने पास अभी अवेलेबल के अंदर सोजत के किट्स है। सोजत के किट्स है और गुजरी फीमेल। अच्छा। सिरोही में और अजमेरी में। अच्छा, ये फीमेल। तो आप मुझे सिरोही नस्ल की कोई बकरी या बकरा दिखाओगे एक बार? बकरा दिखाता हूँ आपको सिरोही नस्ल का, देखो। अच्छा, सिरोही नस्ल के अंदर ये बकरा जो दिख रहा है ये सिरोही नस्ल में है? हाँ जी बिल्कुल, ये सिरोही नस्ल में। ये सिरोही नस्ल में है। हाँ जी। क्या डिटेल रहेगी पंकज भैया इसकी? एक पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, आप यहीं से बता दीजिए मुझे क्या डिटेल रहेगी उसकी। ये देखो अपने करीब 14 महीने का है। 14 महीने का है। हाँ। अभी दांत निकाल लिए इसने या बाकी है? दांत निकालना अभी बाकी है। दांत निकालना बाकी है। हाँ, करीब। कितने वेट का होगा ये बच्चा? ये है 40-45 किलो। 40-45 किलो का है अभी बिना दांत का है। हाँ। 14 महीने का हो गया है, मतलब अभी दांत निकालने वाला ही है। निकालने वाला ही है। अच्छा, कुर्बानी 2023 के लिए प्रॉपरली रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी ब्रीड अभी अवेलेबल है अपने पास सिरोही के अंदर, कोई फीमेल स्पॉटेड में कोई हो? देखो ये सिरोही के अंदर फीमेल है। अच्छा, ये सिरोही के अंदर फीमेल है। लोडेड है? बिल्कुल लोडेड। कितने महीने की लोडेड होगी? ये 3-4 महीने की लोडेड है। 3-4 महीने की लोडेड है। कितने दांत पे है ये? 6 दांत पे है। इसका वेट क्या रहेगा अप्रोक्स अगर मान के चले हम? इसका वेट है 50 केजी। 50 केजी का है। अगर 6 दांत की अगर ये बकरी है तो कितने टाइम बच्चे दे चुकी है ये? बच्चे दे चुकी है तीसरी बार प्रेग्नेंट, मतलब अभी तीसरे टाइम में प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, और कौन सी ब्रीड है? गुजरी ब्रीड कोई है अपने पास अभी? हाँ, गुजरी ब्रीड के अंदर फीमेल है। गुजरी के अंदर क्या है? फीमेल। फीमेल। अच्छा, ये गुजरी की फीमेल है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी गुजरी की फीमेल है। अच्छा, ये लोडेड है? बिल्कुल बिल्कुल लोडेड है ये भी। अच्छा, कितने दांत की है? 4 दांत पे। ये 4 दांत पे है, यानी कि सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट हो गई। हाँ। है ना। अच्छा, अगर इसने जो सेकंड फर्स्ट जो डिलीवरी दी है इसने, इसमें कितने बच्चे हुए थे इसके? देखो इसके तो फर्स्ट बारी में भी 2 बच्चे हुए थे। फर्स्ट बारी में 2 बच्चे हुए थे। अच्छा, फर्स्ट बारी में 2 बच्चे हुए थे। और गुजरी के अंदर कोई मेल? गुजरी के अंदर मेल देखो ये रहा। अच्छा, यहीं से मुझे डिटेल बता दीजिए आप, ये क्या डिटेल रहेगी इस बच्चे की? ये करीब 7-8 महीने का है। 7-8 महीने का बच्चा है। हाँ। और वेट क्या होगा इसका? वेट है इसका 35 केजी। 35 केजी का वेट है और अभी दांत नहीं निकाले। बिल्कुल। मतलब दांत निकालने के लिए इसे 14 महीने प्रॉपरली चाहिए ही चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। 14 महीने के अंदर ये बच्चा 2 दांत पे आ जाएगा और कुर्बानी के लिए तैयार हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये गुजरी नस्ल के अंदर है। हाँ जी। अच्छा, और कौन सी ब्रीड है अपने पास? देखो सोजत के अंदर है। सोजत के अंदर है। सोजत के अंदर क्या है अपने पास अभी? अच्छा, सोजत में ये है। ये देखो बहुत भारी वेट पे है ये। बहुत अच्छे वेट का बकरा है। क्या वजन होगा इसका? इसका वजन होगा सर 80 केजी। 80 केजी। कितने दांत का है पंकज भाई ये? 4 दांत। 4 दांत किए इसने और ये 80 केजी का बच्चा है। तो ये कुर्बानी 2023 के लिए पल्ली रेडी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कस्टमर इसे पसंद आए तो कितने में निकालोगे इसको आप? 380 रुपए केजी के साथ। 380 रुपए पर केजी। और अगर इसको कोई खड़ाई खरीदना चाहे तो? खड़ाई खरीदना चाहते हैं तो 32,000 का।
32,000। अगर मैं ये पूछना चाहूँगा पंकज भाई आपसे कि मतलब अगर कोई केजी से खरीदेगा या पट्टी से खरीदेगा उसमें कोई थोड़ा डिफरेंट रहता है या मतलब एक ही बात रहती है? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं, बहुत बात बराबर ही आती है। अच्छा, ऐसे 300 अगर 80 केजी का बकरा है तो आप उसे 380 से मल्टीप्लाई करके उसका पट्टी का रेट निकाल दोगे? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या वेट, अगर मैं मान के चलो यहाँ से 1,000 किलोमीटर लेके जाता हूँ जानवर, हाँ जी, तो कितना ये लूज करेगा वेट? ये लूज करेगा 3-4 किलो, 3 किलो वजन, 3 किलो वजन मान के चलो, 3 किलो वजन इसका आप मान के चले कि 3 किलो वजन जो है टूटेगा। कच्ची है या अंडू है? ये अभी अंडू है। अच्छा, अंडू बकरा है ये, अभी कच्ची नहीं है? नहीं, अंडू नहीं है, कच्ची है ये, कच्ची बकरा, अंडू बकरा है।